हेलो। आज अभी हम देखेंगे पॉलीगॉन। हमने देखा ट्रायंगल्स थ्री साइड्स, क्वाड्रिलेटरल्स फोर साइड्स, और पांच के ऊपर जो रहेंगे फिगर बाउंडेड बाय फाइव साइड्स, और उससे ज़्यादा उनको बोलते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन यानी हिंदी में बोलते हैं बहुभुजाकृति। बहु यानी ज़्यादा, भुजा यानी बाजू या साइड्स, और आकृति यानी ज़्यादा साइड्स रहेंगे उस आकृति को बहुभुजाकृति बोलते हैं। तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं पॉलीगॉन, PolyGon, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन पांच बाजू, छह बाजू, सात बाजू, आठ बाजू, नौ, 10, 11 और 12 बाजू तक इधर दिखा है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 13, 14, 15, अनेक बाजू। एंगल भी अनेक रहेंगे। अब उसमें क्या है, जो सब इक्वल एंगल्स रहेंगे, सब साइड्स इक्वल रहेंगे, कितना भी बाजू होने दो, सब साइड्स और सब एंगल इक्वल रहेंगे, तो उसको बोलते हैं सुषम, सुषम बहुभुजाकृति। अब इसमें पेंटागॉन, पेंटागॉन दिखाया। देखो पेंटागॉन में ये साइड्स, ये साइड, ये साइड, ये साइड, और ये सब साइड्स इक्वल है, और इसमें सब एंगल जो है वो भी इक्वल है। अभी इसको बोलते हैं रेगुलर। इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर और हिंदी में बोलते हैं सुषम बहुभुजाकृति, और इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अभी रेगुलर पॉलीगॉन कैसा बनाने, देखो रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन में सब साइड्स इक्वल रहेंगे, इक्वल यानी समान, और सब एंगल भी इक्वल रहेंगे यानी एक समान रहेंगे। इसमें पांच एंगल है और पांच बाजू है, भुजाएं, यानी फाइव साइड्स फाइव एंगल्स। लेकिन हम कैसा निकालते हैं, पेंटागॉन निकालना होगा तो हमको इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, वो मालूम होना चाहिए। और ये लाइन बढ़ाएंगे तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर का एंगल, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों मालूम होंगे तो हम ये लाइन निकाल सकते हैं, बाद में ये सब लाइन्स निकाल के पेंटागन पूरा कर सकते हैं। अभी इसको एक्सटीरियर एंगल को कैसा निकालते हैं, देखो कितने बाजू है, फाइव साइड्स। तो अभी टोटल एंगल में रहेंगे 360 डिग्री, 360 एंगल, और उसमें पांच बाजू, इसलिए डिवाइड बाय फाइव किया, यानी 360, यानी फॉर्मूला है 360 बाय एन, एन यानी नंबर ऑफ साइड्स, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। एन कैसा नहीं, इन नहीं पाँच है इसमें पेंटेगन में, तो डिवाइड बाय फाइव किया, 360 डिग्री को डिवाइड बाय फाइव किया तो हमको मिलता है 5, 7, और ये 2, ये 72 डिग्री जो हो गया वो एंगल हो गया हमारा इधर का बाहर का, यानी एक्सटीरियर एंगल हो गया 360 डिग्री बाय एन यानी 5। तो ये टोटल होता है 72 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 72 डिग्री। अभी इंटीरियर एंगल कैसा निकालने का, देखो ये होगा एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अभी इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है एन माइनस टू इंटू 180 डिवाइड बाय एन, जिधर एन है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। अभी इसमें कितने, अभी हेक्सागन हम देखेंगे, हेक्सागन में कितने साइड्स है, छह साइड्स है, पेंटागन में पांच साइड्स है। अभी इसका जो इंटीरियर एंगल
देखना पड़ेगा, तो हम देख सकते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर निकाला तो इंटीरियर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये टोटल स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन का 180 डिग्री होता है टोटल, तो 180 डिग्री माइनस से 72 माइनस करेंगे तो उसको मिलता है 108। 72 माइनस किया टोटल 180 डिग्री है, इसलिए 108 ये आंसर आ गया, वो इंटीरियर एंगल हो गया। अब इसमें ये स्ट्रेट लाइन है, ये 6 बाजू है, इसलिए अब इसका इंटीरियर एंगल देखेंगे। पहले एक्सटीरियर तो हमको मालूम है 60 डिग्री रहता है, क्योंकि 360 डिवाइड बाय 36 हो गया, इसलिए 60 डिग्री एंगल रहेगा ये। लेकिन इंटीरियर एंगल कैसा निकालने का, एन इज इक्वल टू 6 है अभी, माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाय एन यानी 6 हो गया अभी, तो इसका आंसर निकालेगी 6 माइनस 2 4 हो गया, पहले ये सॉल्व करने का, बाद में इंटू 180 डिग्री 180 डिवाइड बाय 6। अब इसका आंसर आ गया देखो 720 डिवाइड बाय 6, तो इसका आंसर गया 120। तो 120 ये कौन सा एंगल होगा, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल इसका हो गया 120 डिग्री, ये 120 डिग्री हो गया। इंटीरियर एंगल निकालेंगे तो भी एक्सटीरियर निकाल सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री माइनस 120 हो गया 60, तो ये एंगल 60 बचा। ऐसा ही हम जितना साइड्स रहेंगे वैसे एंगल एक्सटीरियर या इंटीरियर बता सकते हैं इस कैलकुलेशन से। हेप्टागन, हेप्टागन कौन सा होता है, अभी सेप्टागन नहीं है, हेप्टागन, ये हेक्सागन है। हेप्टागन 7 साइड्स रहेंगे, 7 साइड्स को बोलते हैं हेप्टागन। हेप्टागन का स्पेलिंग देखो, हेप्टागन में क्या होता है, थोड़ा सा पॉइंट में इसका आंसर आएगा, क्योंकि डिवाइड बाय 7 करने का है, 360 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये होगा 51.43, पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में आएगा 128.57, इस तरह से पॉइंट में आता है। लेकिन एंगल हम ऐसा इस तरह से निकाल सकते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर। अभी हेक्टागन में कितना साइड्स रहेंगे, 7 बाजू रहेंगे, एंगल भी 7 रहेंगे। ऑक्टेगन में, ऑक्टेन 8, ऑक्टेगन में भी 8 साइड्स इक्वल रहेंगे समभुज, मतलब सुषम बहुभुजाकृति में, यानी रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर ऑक्टेगन में 8 बाजू 8 एंगल और सब 45 डिग्री रहेंगे। ये सेट स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि नीचे दूसरा सेट स्क्वायर पकड़ा 30 डिग्री का, और ऐसा एंगल बनाया ये 45 डिग्री, बाद में इधर भी ऐसा है बेस लाइन पकड़ के, ये भी एंगल 45 डिग्री होता है, ये भी एंगल 45 और ये भी एंगल 45, और ये वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन, ये देखो ये भी वर्टिकल लाइन, बाद में इस इधर वापस 45 डिग्री होगा, ये देखो 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी इसमें मैं और एक बताता हूँ कि ऑक्टेगॉन, हेक्सागन, ये जो ऑड नंबर्स है यानी 8 बाजू ये 6 बाजू, तो उसको ऊपर का लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगा, इसका भी हॉरिजॉन्टल रहेगा। जो 7 बाजू रहेंगे उसके बराबर पॉइंट सेंटर में ऊपर आएगा, 5 बाजू रहेंगे सेंटर में ऊपर आएगा, ये 7 बाजू है इसलिए ऊपर कॉर्नर आया। नॉनेगॉन में 9 बाजू है इसलिए कॉर्नर आया, 10 बाजू रहेंगे तो फ्लैट आएगा। अभी आगे देखते जाएंगे, ये ऑक्टागन में 8 बाजू 8 एंगल और सब इक्वल एंगल, इक्वल लेंथ ऑफ साइड, ये हो गया ऑक्टागन। अभी नॉनेगॉन, नॉनेगॉन यानी 9 साइड्स, 9 साइड्स और 9 एंगल सब इक्वल रहेंगे। बेस ये दिया है समझो, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल हम बना सकते हैं 360 डिवाइड बाय, ये अभी नॉनेगॉन होते हैं 9, 360 बाय 9 करेंगे 40 आता है, तो 40 ये एंगल हो गया बाहर का एक्सटीरियर, और इंटीरियर एंगल हो गया 180 डिग्री माइनस 40 यानी 140, ये 140 हो गया डिग्री। और इस तरह से हम नॉनेगॉन बना सकते हैं, 9 साइड्स
और 9 एंगल, 10 साइड्स 10 एंगल होंगे तो उसको बोलते हैं डेकागॉन, DECAGON, डेकागॉन यानी 10 बाजू, 10 बाजू और 10 साइड सब इक्वल एंगल और सब इक्वल साइड, उसको बोलते हैं रेगुलर डेकागॉन। उसमें 10 साइड रहेंगे। अनडेकागॉन में 11 साइड्स रहेंगे, 11 साइड्स प्लस और एंगल्स भी 11 एंगल रहेंगे, इक्वल सब एंगल्स, तो उसको रेगुलर अनडेकागॉन बोलेंगे। और लास्ट में डोडेकागॉन, डोडेकागॉन में अभी इधर 12 बाजू दिखा है और बाजू रहते 13, 14, 15, 16, तो उनको अलग अलग नेमिंग है, लेकिन अभी तक डोडेकागॉन में 12 बाजू रहेंगे और 12 एंगल रहेंगे और सब साइड्स और सब एंगल इक्वल, उसको रेगुलर डोडेकागॉन ऐसा हम बोलेंगे। तो हम अभी आज सीखा कि पॉलीगॉन कैसे रहते और पॉलीगॉन के नेमिंग कैसे रहते हैं, पॉलीगॉन का एंगल कैसा निकालना। तो अभी आज पॉलीगॉन का टॉपिक अभी ख़त्म हुआ, अभी ऐसे ही टॉपिक हम बाद में देखेंगे। ओके, थैंक्स।